बिजनेस में लोन का कितना महत्व होता है इससे कोई अनजान नहीं है, पर क्या आपको हमेशा बिजनेस के लिए लोन मिल पाते हैं? नहीं। अन्य कारणों के साथ इसके पीछे छिपा है एक बड़ा कारण, आपका सिबिल स्कोर। तो आज हम बात करेंगे कि क्या होता है सिबिल स्कोर और कैसे आप अपना सिबिल स्कोर हाई रख सकते हैं। तो सिबिल एक तरह से कस्टमर का क्रेडिट स्कोर होता है, इससे पिछले कर्ज के बारे में जानकारी मिलती है। अगर पिछला कर्ज समय से चुकाया गया होगा तो ये सिबिल स्कोर अच्छा दिखेगा, और अगर किसी कारण से समय पे कर्ज नहीं चुकाया होगा तो ये कम दिखेगा। सिबिल स्कोर कुल 300 से 900 के बीच में होता है और इसे 750 से ज़्यादा होने पर अच्छा माना जाता है। इसका हिसाब 2 साल यानी 24 महीने के कर्ज की हिस्ट्री के अनुसार बनता है। लगभग 80% लोन 750 से अधिक सिबिल वालों को ही दिया जाता है। तो अब बात करते हैं सिबिल स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वैसे तो सिबिल कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन 4 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपके सिबिल स्कोर पर डायरेक्ट असर पड़ता है। पहला, पेमेंट हिस्ट्री। देर से ईएमआई भरना या डिफॉल्ट करने का आपके सिबिल स्कोर पर नेगेटिव असर पड़ता है। दूसरा है क्रेडिट मिक्स। मिले जुले सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन लेने का आपके क्रेडिट स्कोर पर पॉजिटिव असर होता है। तीसरा है बार बार पूछताछ। लोन के विषय में बहुत ज़्यादा पूछताछ करने का या सर्च करने का आपके सिबिल स्कोर पर नेगेटिव असर पड़ता है, मतलब यह संकेत देता है कि भविष्य में आपके लोन का बोझ बढ़ सकता है। फिर चौथा है हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन लिमिट। हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन लिमिट समय के साथ कर्ज बढ़ने का संकेत देती है, इसका स्कोर पर अच्छा असर नहीं होता है। तो अब बात करते हैं कि आप अपना सिबिल स्कोर हाई रखने के लिए क्या कर सकते हैं। अपने बकाया बिलों का भुगतान हमेशा समय से करें। लेट पेमेंट को बैंक अच्छा नहीं मानते। क्रेडिट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करें। खर्चों पर अंकुश लगाएं। होम और ऑटो लोन जैसे सिक्योर्ड लोन और पर्सनल और क्रेडिट कार्ड सरीके अनसिक्योर्ड लोनों के बीच संतुलन बनाएं। फिर बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन को अच्छा नहीं माना जाता है तो उस पर भी नज़र रखें। फिर आपका अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर पर भी नज़र रखें। ज्वाइंट अकाउंट होल्डर की लापरवाही का भी आपके क्रेडिट स्कोर पर बुरा असर पड़ता है। और समय समय पर क्रेडिट हिस्ट्री की समीक्षा जरूर करें, अपने सिबिल स्कोर पर नज़र बनाकर रखें। फिर है कि बहुत सारे लोन एक बार में मत लीजिए। कई लोग ऐसा करते हैं कि एक बार में बहुत सारे लोन जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, उपकरण लोन इत्यादि ले लेते हैं, लेकिन ऐसा करना खुद को परेशानी में डालना होता है। ऐसा इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि हो सकता है कभी किसी लोन की ईएमआई छूट जाए या लेट हो जाए तो सिबिल खराब होने का डर हमेशा बना रहेगा। इससे बचने के लिए कोशिश करें कि एक समय में एक या अधिकतम 2 लोन ही लें। फिर है कि अपना पुराना कर्ज क्लियर कर दें। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर एक लोन की रकम बकाया हो तो दूसरा लोन देने से बैंक बचने लगते हैं, और पहले कर्ज की समय से पेमेंट ना होने पर सिबिल भी खराब होने की संभावना रहती है। इससे बचने के लिए पहले से लिए गए लोन का क्लियर कर ही दूसरे लोन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपना कर्ज समय पर भरते रहते हैं लेकिन बैंक की गड़बड़ी की वजह से आपका सिबिल स्कोर कम दिखाई पड़ने लगता है। इस कंडीशन में आपको बैंक के नोडल ऑफिसर को लिखित में शिकायत करना होगा। इसके अलावा आपको सिबिल की वेबसाइट पर डिस्प्यूट रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होगा। अगर इसके बाद भी आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप बैंकिंग के लोकपाल यानी कि www.bankingombudsman.rbi.org.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो आज हमने बात की सिबिल स्कोर की। जल्द ही हम बिजनेस लोन की बात का नया वीडियो लेकर हाजिर होंगे। अगर आप लोन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।